आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि पैंक्रियाज कैंसर का सर्वाइवल रेट मतलब कि कैंसर जो पेशेंट होते हैं हैं। वो कितने सालों तक जीते हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम डॉक्टर अंकित पोद्दार, मैं लैप्रोस्कोपिक एंड कैंसर सर्जन हूं मुंबई से बहुत सारे लोगों को यह सवाल आता है बहुत सारे लोग ये पूछने की, के लिए बहुत क्यूरियसिटी रहती है कि क्या हमने ये ट्रीटमेंट कराना चाहिए या फिर अगर हम ट्रीटमेंट ना करें तो पेशेंट कितने साल तक जी सकता है या अगर करे तो कितने साल तक जी सकता है? तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे समस्या है तो आज के इस वीडियो में हम थोड़ी सी जानकारी देंगे कि पैंक्रिया जो कैंसर है वो उनका सर्वाइवल रेट कितना होता है हमारे ये जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ये जो सर्वाइवल रेट है मतलब कि पेशेंट कितने सालों तक जी सकता है उसके लिए हमारे पास एक फाइव ईयर सर्वाइवल एक स्टैटिस्टिक बनाया जाता है जिसमें हम एक स्टैटिस्टिकली हम बता सकते हैं कि इतने सालों से जो स्टडीज हो रही है उसमें जो इतने सारे जो पेशेंट जो पैंक्रियाटिक कैंसर से जा रहे या जो लोग पैंक्रेटिक कैंसर है उनमें जो इतने सालों से जो स्टडी देखा गया है उसमें जो फाइव ईयर स्टैटिस्टिक सर्वाइवल रेट है वो कितना है अभी ये सब जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि पैंक्रेटिक कैंसर के स्टेजेस क्या है और कौन सा पेशेंट कौन से स्टेज में है उसके ऊपर ये डिपेंड होता है कि उसका फाइव ईयर सर्वाइवल रेट क्या हो सकता है तो पैंक्रियास कैंसर के चार स्टेज होते हैं स्टेज वन स्टेज टू जिसे हम लोकलाइज कैंसर कहते हैं मतलब कि जो सिर्फ पैंक्रियास के अंदर ही है। जो स्टेज थ्री है मतलब कि लोकलाइज तो है ही मतलब पैंक्रियास में ट्यूमर तो है पर आसपास के टिश्यू में अगर फैला हुआ है या नहीं और जो स्टेज फोर है मतलब कि मेटास्टेटिक कैंसर डिजीज जिसमें पैंक्रियाज के कैंसर के अलावा बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन में भी अगर कैंसर फैला है तो उसे स्टेज फोर डिसीज के नाम से जानते हैं तो जो स्टेज वन या स्टेज टू है मतलब कि लोकलाइज अगर कैंसर है तो उसमें जो कैंसर सर्वाइवल रेट है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू स्टेज थ्री एंड स्टेज फोर क्योंकि स्टेज वन एंड स्टेज टू में हम प्रायरली सर्जरी कर लेते हैं ताकि जो मेन कैंसर का हिस्सा है वो बॉडी से निकल जाता है उसमें अगर हम कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी देते हैं तो जो ब्लड स्ट्रीम में जो कैंसर फैला हुआ है, वो उसे भी मारने में बहुत हेल्प होती है इसीलिए ये देखा गया है कि जो पेशेंट स्टेज वन या स्टेज टू में पूरा ट्रीटमेंट ले लेते हैं उनका ईयर सर्वाइवल रेट समर्टी टू थर्टी फाइव परसेंट होता है मतलब कि जितने भी पेशेंट हैं उसमें से 30 या 35 पेशेंट्स पांच साल के ऊपर जी सकते हैं अभी हम बात करेंगे स्टेज थ्री के बारे में तो जो स्टेज थ्री है वो लोकलाइज एडवांस लोकलाइज ट्यूमर है मतलब कि आजूबाजू के टिश्यू में फैल चुका है उसमें भी हम सर्जरी ऑप्शन प्लस उसमें कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी के हम साथ लेते हैं पर जब ये ऑलरेडी आसपास के ऑर्गन में अगर आसपास के टिश्यू या लिम्फेटिक में अगर स्प्रेड है, तो वापस वो कैंसर आने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है उन सारे पेशेंट में। इसीलिए ये देखा गया है कि जो स्टेज थ्री में जो लोग हैं, उनका जो एवरेज सर्वाइवल रेट है फाइव ईयर सर्वाइवल स्टेटिस्टिक वो होता है समवेयर अराउंडीन टू एटीन और अभी हम बात करेंगे स्टेज फोर पैंक्रियाटिक कैंसर में क्योंकि ये जो कैंसर है ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्गन में फैल चुका है मतलब कि लंग्स या लीवर उन लोगों में जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है पर ओवरऑल ये देखा गया है कि 15 टू 30 परसेंट ये एक मीडियम सर्वाइवल रेट होता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि पैंक्रियाज के कैंसर के पेशेंट को ट्रीटमेंट ना दे या फिर अगर देने के लिए बाद भी अगर पेशेंट नहीं बच रहा है तो क्यों देना चाहिए ये सारी चीजें एक स्टैटिस्टिक है ये कुछ ये कुछ लिखत नहीं है कि पैंक्रियाज के कैंसर के पेशेंट नहीं जी पाते हैं या उनमें ट्रीटमेंट है ही नहीं क्योंकि अभी की जो एडवांस जो टेक्नोलॉजीज आ रही है सर्जिकल रिसेक्शन केमोथेरापी के ऐसे एडवांस ड्रग आ रहे हैं बहुत सारे ऐसी जेनेटिक ट्रीटमेंट्स आ रही है या इमोथेरे इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स ऐसे अवेलेबल हो रहे हैं जिसकी वजह से पैंक्रियास की कैंसर के पेशेंट में हम उसे और भी अच्छे तरीके से हम लड़ सकते हैं और ये जो कैंसर जो फाइव ईयर सर्वाइवल रेट है हम उसे और भी बड़ा कर सकते हैं तो पैंक्रियास की कैंसर को अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है हर पेशेंट ने अगर सही तरीके से अगर ट्रीटमेंट लो तो वो क्यूरेबल डिसीज बन सकता है तो आज हमने ये जाना कि फाइवर सर्वाइवल रेट पैंक्रियाज के कैंसर में क्या है अगर आपको इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो हमें संपर्क करें मैं या मेरे टीम मेंबर में से आपको रिप्लाई जरूर करेगा थैंक यू